हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हुई, करीब 2.5-3 साल की बच्ची थी। तो उसके बारे में नगर परिषद ने संज्ञान लेते हुए, और पहले भी संज्ञान लिया था, कि इसमें हम जो भी आवारा कुत्ते हैं शहर के, उनकी हम स्टरलाइजेशन कराएंगे। ये मुहिम हम आने वाले सप्ताह या 10 दिन बाद ये चालू की जाएगी पूरे शहर के, जिसमें भी जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन सब की स्टरलाइजेशन की जाएगी और साथ में वैक्सीनेशन की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? तो अब इसमें तो देखो, अब पता लगाना तो इम्पॉसिबल है कि कोई अब गांव से शहर में कुत्ते छोड़ रहा है, ये तो नहीं पता क्या। पुलिस फोर्स भी इतनी नहीं है, पुलिस भी पता लगाए जगह जगह कौन गांव से शहर में। पर ये जो भी शहर में कुत्ते मिलेंगे हम कार्रवाई करेंगे, और जितने भी मिलेंगे उन सबको स्टरलाइज किया जाएगा ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके हमारा कुत्तों का। पंजीकृत जो होते हैं कुत्ते, वो तो घरेलू कुत्ते होते हैं जो कि आप जैसे हमारे जैसे लोग जो कि शौकिया तौर पर पालते हैं। तो पंजीकरण पहले होता था MC हमीरपुर में, फिर बीच में काफ़ी साल नहीं हुआ। अभी हमारी आगामी जो चुनाव की, जैसे MCC ख़त्म होती है तो उसके बाद जब आगामी बैठक होगी तो उसमें हम ये मुद्दा उठाएंगे, और उसमें एक पंजीकरण का एक उसमें तरीका भी बनाएंगे, एक फीस भी निर्धारित करेंगे पूरे वर्ष की, जिसके आधार पर सभी पंजीकृत करा सकते हैं अपने कुत्तों को और कोई भी घरेलू जानवर हो। होता रहता है, मतलब रेगुलर हम करते रहते हैं चेक, क्योंकि मार्केट में इंक्रोचमेंट हो जाती है जो कि शॉपकीपर्स करते हैं। पहले भी हिदायत दी गई है और पहले सामान भी उठाया गया था, आज दोबारा इसी कड़ी में हमने हिदायत दी है सभी दुकानदारों को और खोखा धारकों को कि कृपया अपना सामान जो है अपने दुकान के अंदर ही रखें, परेशानी ना हो। सर देखिए, अपनी शॉप तक रखें, उल्टा हमने तो इनको रियायत भी दी हुई है कि ये नाली तक भी सामान रख सकता है, पर हमने देखा कि काफ़ी लोग जो है वो नाली के बाहर भी आ गए हैं, जो वाइट लाइन है उसकी पट्टी के भी आगे आ गए हैं, इसलिए सभी को एक बार स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि सभी लोग अपना सामान अंदर रखें। इसके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई, अगर आपको मालूम होगा पिछले हफ्ते भी हमने लगातार 4-5 दिन राउंड मारे और हमने करीब 15-20 शॉप्स का हमने सामान भी उठाया था, जिनको बाद में फ़ाइन किया गया था, 500 रुपये हमने जुर्माना किया था। इस बार जुर्माना भी बढ़ाएंगे अगर इस बार फिर से वही डिफॉल्टर्स पाए जाते हैं। कार्रवाई सभी के ऊपर बराबर ही होगी, एक कानून है सभी के लिए, इस देश में सबके ऊपर बराबर कार्रवाई होगी।